नमस्कार दोस्तों, प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था ओवरीज। ठीक है, ओवरीज किसके अंतर्गत आती हैं? एक तो फीमेल जेनाइटेलिया, और फीमेल जेनाइटेलिया में भी इंटरनल ऑर्गन है ना। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में किस में आएंगी? ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। और ये कैसे स्ट्रक्चर होती हैं? पेयर है ना, पेयर मतलब राइट साइड एक और लेफ्ट साइड एक। किसके होमोलॉगस माना गया ओवरीज को? मेल में टेस्टिस के। ओके, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि पोजीशन ऑफ ओवरी? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या होती है ओवरीज की पोजीशन? वेरिएबल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि ओवरीज की पोजीशन है ना, तो आपको क्या क्या बताना है? एक तो बताना है नलीपेरस। क्या बताना है बेटा? नलीपेरस। और दूसरा पॉइंट क्लियर करना है मल्टीपेरस। चलिए इन दोनों को अपन आज के इस लेक्चर में क्लियर करते हैं। यही दोनों क्या है? पोजीशन ऑफ ओवरी। एक डायग्राम से अपन समझेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम, उसके बाद आगे क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं अपन? ये वाला, ये है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस से लगा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा बेटा? कैसा स्ट्रक्चर? ट्यूब लाइक। ये एक तो ये फिम्ब्री, दूसरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। साथ में इसके एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इस स्ट्रक्चर में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ओवरी। ठीक है, ओवरी से उसके अपर पोल से, एक अपर पोल से ये स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा या लगा हुआ रहता है। इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, और एक इसके लोअर पोल से भी एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है आपको। प्लीज़, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना क्लियर डायग्राम। ओके, अब चलते हैं अपन इस पोजीशन में। सबसे पहला पॉइंट ये स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस। ये क्या स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ये फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब। ये कौन सा पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का? फिम्ब्री। फिम्ब्री। ये ग्रीन कलर में कौन सा स्ट्रक्चर है जो अपर पोल से लगा है? किसके अपर पोल से लगा है? ओवरी के। ठीक है ना, पोजीशन देख रहे हैं बेटा। ठीक है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये ओवरी का कौन सा पोल है? अपर पोल। अपर पोल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है क्या? ओवरी। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ओवरी। ओवरी का ये कौन सा पोल है? लोअर पोल। लोअर पोल, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। प्लीज, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लिगामेंट ऑफ ओवरी। लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये एक पोजीशन ये
ठीक है, अभी अपन ने क्लियर नहीं किया, ठीक है ना। देखो ये कब, ये कौन सी पोजीशन है ओवरी की, इसको आप यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। कौन सी पोजीशन है ओवरी की, नली पेरस, ये कौन सी पोजीशन है नली पेरस। अब इसको इस नली पेरस क्यों नाम दिया गया, उसका रीजन क्या है बेटा, ये जो पोजीशन है ओवरी की किसमें होगी, उन महिलाओं में या उन वुमेन्स में, उन फीमेल्स में जिनमें अभी तक कोई डिलीवरी या कोई मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उनमें जो ओवरी का एक्सिस होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल। कैसा होगा एक्सिस बेटा, वर्टिकल, यहाँ पर आपको फोकस करना है। उनका लॉन्ग एक्सिस कैसा होगा, आपको कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल। और इनका अपर पोल, देखो बेटा यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, इस पोजीशन में ओवरी का अपर पोल सुपीरियर है ना, सुपीरियरली, और लोअर पोल इन्फीरियर, इन्फीरियरली, ठीक है। तो जब ऐसे हमको पोल्स मिलते हैं ओवरी के और लॉन्ग एक्सिस कैसा है, वर्टिकल, ठीक है ना, उस पोजीशन को ओवरी की हम क्या बोलते हैं, नली पेरस पोजीशन ऑफ ओवरी, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, नली पेरस पोजीशन ऑफ ओवरी। सेकंड पॉइंट अपन क्लियर करेंगे मल्टी पेरस, उसके लिए भी आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये है यूटरस, ये यूट्रस, और क्या है ये, यूट्रस है। उसके बाद हमने अभी देखा था ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या, फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब। इसको कंप्लीट कर देते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये है क्या, ओवरी, और थोड़ा सा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अपर पोल से, ये स्ट्रक्चर किसके अपर पोल से, ओवरी के अपर पोल से, और एक और स्ट्रक्चर इसके लोअर पोल से भी लगा हुआ होता है, ये ग्रीन कलर में, ये हमने इस पोजीशन में भी देखा था, इसमें भी वही। अब इसमें हमें देखना क्या है कि इसको हम कौन सा नाम देंगे, या कहना चाहिए कौन सी पोजीशन है ओवरी की। चलिए पहले तो नोमेनक्लेचर कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कौन सा पार्ट है, फिम्ब्री, ठीक है। ये है अपर पोल ऑफ ओवरी, कौन सा पोल है बेटा ओवरी का, अपर पोल, अपर पोल। ये क्या स्ट्रक्चर है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है। ये कौन सा पोल है, वो ये है लोअर पोल, लोअर पोल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी। इसमें भी हमने यही स्ट्रक्चर क्या बताया था, ओवरी की। ये कौन सी सरफेस होगी, मीडियल सरफेस, ठीक है ना। देखो आगे चलो, ये लोअर पोल और ये ग्रीन कलर में, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, या किस नाम से जानते हैं अपन, लिगामेंट ऑफ
ओवरी। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ये स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब। देखो बेटा फैलोपियन ट्यूब कहाँ से लगी हुई है? यूट्रस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यूट्रस, ठीक है, ये भी यूट्रस। अब आते हैं अपन इस पोजीशन में। ठीक है, देखो ये कैसी दिखाई दे रही है? एक तो हमें इसका जब लॉन्ग एक्सिस हम देखते हैं तो कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल। कैसा है लॉन्ग एक्सिस? हॉरिजॉन्टल। ये जो पोजीशन है ओवरी की, इस पोजीशन को हम एक नाम दे देते हैं मल्टीपेरस। अब वो क्यों दिए? अभी 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 अपन आगे चल करके उसको क्लियर करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी पेरस। मल्टी पेरस वो क्यों? कि जो एक्सिस है ये हमें कब मिलेगा या किस पोजीशन में उभरी के मिलेगा? जब है ना, कब मिलेगा? जब फीमेल्स में एक या एक से अधिक बार क्या हो चुका हो, डिलीवरी या प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, तब उसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसा हो जाता है या कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली। और इस हॉरिजॉन्टल लॉन्ग एक्सिस पोजीशन को, या कहना चाहिए ये पोजीशन ओवरी की क्या कहलाती है? मल्टीपेरस। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो अपर पोल होता है वो कैसा है? लेटरली, लेटरली पॉइंटेड। इस पोजीशन में, ओवरी के इस पोजीशन में अपर पोल कहाँ मिलेगा आपको? कैसा होगा? एक तो पॉइंटेड और दूसरा लेटरली होगा। इस पोजीशन में अपर पोल कहाँ था? सुपीरियरली, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इसके लोअर पोल में आते हैं तो लोअर पोल इसका पॉइंटेड मीडियली, ठीक। ये मीडियल साइड होगा, ये इसका क्या है? मीडियल साइड, और ये है लेटरल साइड। तो पॉइंटेड लेटरली, पॉइंटेड मीडियली। इसका जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो ये ओवरी की कौन सी पोजीशन होती है? आपका आंसर होना चाहिए मल्टीपेरस पोजीशन ऑफ द ओवरी। क्लियर ना बेटा?